संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। पहला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुखरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? राइट आंसर है ए अमीर खुसरो। प्रश्न दो है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? राइट आंसर है सी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। प्रश्न नंबर तीसरा, अल्लाह और उदल किस राजा के सामंत थे? राइट आंसर है परमाल। प्रश्न नंबर चार है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर सी गोरखनाथ। प्रश्न नंबर पांच, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? राइट आंसर है ए 84। प्रश्न नंबर छह है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? क्या मैं बात की जा रही है नहीं है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी हरिव्यास देव। प्रश्न नंबर सात है, हठयोग का उपदेश किसने दिया था? राइट आंसर ए गोरखनाथ ने। प्रश्न नंबर आठ है, रामकथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावन हारी, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर नौ, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर दस है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राइट आंसर है विकल्प नंबर सी स्वामी हरिदास ने। प्रश्न नंबर 11 है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? राइट आंसर है नावादास ने। प्रश्न नंबर 12, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? राइट आंसर सी माधुर्य भाव। प्रश्न नंबर 13 है, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन है? राइट आंसर है विकल्प बी जॉर्ज गिल्सन का। प्रश्न नंबर 14 है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर है बल्लवाचार्य। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? राइट आंसर है डी रांगे राघव। प्रश्न नंबर 16 है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? राइट आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कौन सा? प्राचीन पंडित और कवि। प्रश्न नंबर 17 है, गोरख वाणी के संपादक कौन है? राइट आंसर है पिताम लद्दत बर्तवाल। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? राइट आंसर है ए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, विकल्प ए सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? राइट आंसर है
डॉक्टर राम विलास शर्मा। प्रश्न नंबर 20 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? राइट आंसर है बी 1903 में। प्रश्न नंबर 21, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? राइट आंसर है बी 1914 में। प्रश्न नंबर 22, कवि वचन सुधा के संपादक थे? राइट आंसर बी भारतेंदु हरीश चंद्र। प्रश्न नंबर 23 है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राइट आंसर है विकल्प ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 24 है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन है? राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 25, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर यामा, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 26, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? राइट आंसर सी गबन। प्रश्न नंबर 27 है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर है राम विलास शर्मा। प्रश्न नंबर 28 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? राइट आंसर है विकल्प सी विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 29 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? राइट आंसर है विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 30, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? राइट आंसर है डी मनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 31 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? राइट आंसर है ए हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 32 है, कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? राइट आंसर है नामवर सिंह, बी सही होगा यहां पर। प्रश्न नंबर 33, तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है विकल्प सी 1943 में। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर है विकल्प ए हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। प्रश्न नंबर 35 है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? राइट आंसर है विकल्प बी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? राइट आंसर है भारूपीय भाषा परिवार। प्रश्न नंबर 37 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर है डी आगरा में। प्रश्न नंबर 38 है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? राइट आंसर है ए राजस्थानी। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? राइट आंसर बी गढ़वाली। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? राइट आंसर है मिष्ठान, ये बिल्कुल शुद्ध होगा, बाकी तीन अशुद्ध है वर्तनी में। प्रश्न नंबर 41 है, कौन सी बोली
पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ए बघेली। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? राइट आंसर है जागृति। प्रश्न नंबर 43 है, पावस शब्द है? राइट आंसर है तद्भव। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको चारों वाक्य बता देते हैं। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। बी है, यहां पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी। सी है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। या डी, हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर डी। ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है, हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? राइट आंसर है ए सुमिरण, तत्सम नहीं होगा। प्रश्न नंबर 46, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर है अनाहूत, जिसे नहीं बुलाया जाता उसे अनाहूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47, जिसका संबंध उपनिवेश से हो के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर है ए औपनिवेशिक। प्रश्न नंबर 48, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर है सी प्राग ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 49, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर है डी अति। प्रश्न नंबर 50 है, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर ए बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वाक्य पढ़ लेते हैं, वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। बी है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। सी है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। और डी है, ऐसी एकाद बात और देखने में आती है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। यह वाक्य यहां पर अशुद्ध होगा, बाकी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 52 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? राइट आंसर ए गुण संधि। प्रश्न नंबर 53, चक्र पाणी में कौन सा समास है? राइट आंसर है सी बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण, तो राइट आंसर है यथाशक्ति। प्रश्न नंबर 55, अलग होने के बोध का कारक है, आपको यहां पर कारक को बताना है जो कि अलग होने का बोध कराता है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी अपादान कारक। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से पन्न प्रत्यय किसमें नहीं है? राइट आंसर ए 56, पन्न प्रत्यय नहीं है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नांकित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? राइट आंसर है विकल्प डी कुसुम। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है? राइट आंसर है पहिया। प्रश्न नंबर 59, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर है कठिन संघर्ष में फंसना।
प्रश्न नंबर 60 है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या आशय है? राइट आंसर है बी, ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। प्रश्न नंबर 61, दही बड़ा में कौन सा समास होगा? राइट आंसर है सी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 62 है, शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 63 है, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? राइट आंसर है बी, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? वाक्य पढ़ लेते हैं, ए है 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, बी है पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, सी आपका दर्शन करने आए थे, और डी वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। तो राइट आंसर है विकल्प डी, ये यहां पर शुद्ध होगा और बाकी ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 65, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है? राइट आंसर है बी, मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 66, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं? राइट आंसर है ए, भट्ट लोलट। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? राइट आंसर है बी, प्रेरणा। प्रश्न नंबर 68, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? राइट आंसर है विकल्प ए, अभिनव गुप्त। प्रश्न नंबर 69, विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्री संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर है सी, रीति संप्रदाय। प्रश्न नंबर 70, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? राइट आंसर है शिमेंद्र। प्रश्न नंबर 71 है, दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? राइट आंसर है सी, कुंडलिया। प्रश्न नंबर 72 है, सबलाइम रचना किसकी है? राइट आंसर बी, लोनजाइनिस। प्रश्न नंबर 73 है, लिरिकल बेलेट्स के पश्चात काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? राइट आंसर है डी, स्वच्छंदतावाद। प्रश्न नंबर 74 है, कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है? राइट आंसर है सी, कोचे। प्रश्न नंबर 75 है, दिवस का अवसान समीप था, गगनता कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों में कौन सा वार्णिक छंद है? राइट आंसर है विकल्प ए, द्रुत विलंबित। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से मम्मटकृत ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर है विकल्प सी, काव्य प्रकाश। प्रश्न नंबर 77 है, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? राइट आंसर है बी, लक्षणा। प्रश्न नंबर 78 है, पहरे श्याम न पीत पट घन में बिजु विलंब, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है विकल्प डी, अपनभूत अपनुति। प्रश्न नंबर 79 है, लोनजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? राइट आंसर है विकल्प सी, 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
राइट आंसर है विकल्प डी प्रतीप। प्रश्न नंबर 81 है, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? राइट आंसर है ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु। प्रश्न नंबर 82 है, बिंब के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन देख लेते हैं, यह छाया मात्र है, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, यह चक्षु इंद्रिय को ही तृप्त करता है, या डी बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। तो चार यहां पर विकल्प हैं, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, सही कथन यहां पर है, बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। प्रश्न नंबर 83 है, काव्यम ग्राह मलंकारात सौंदर्य मलंकार किस आचार्य का कथन है? राइट आंसर है विकल्प नंबर डी वामन का। प्रश्न नंबर 84 है, डॉक्टर नागेंद्र आलोचक हैं? राइट आंसर है विकल्प बी रसवादी। प्रश्न नंबर 85 है, रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? राइट आंसर है विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर 86 है, विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है अरस्तु। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से श्रेष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? सही आंसर है विकल्प ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 88, कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर सही उपराड़ा। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? राइट आंसर है विकल्प बी उका हुलार। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार उत्तराखंड से नहीं है? राइट आंसर है विकल्प सी वेद राही, यहां पर सही है ऑप्शन। प्रश्न नंबर 91, न्योली लोकगीत संबंधित है? आंसर ए उत्तराखंड से। प्रश्न नंबर 92 है, शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? राइट आंसर है विकल्प डी गौरापंत। प्रश्न नंबर 93 है, खुदेड़ गीत है? विकल्प ए एक विरह गीत। प्रश्न नंबर 94, बुरास कविता के रचयिता है? राइट आंसर है विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? विकल्प ए मुर्दाक बयान। प्रश्न नंबर 96, पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? राइट आंसर है विकल्प बी मंगलेश डबराल। प्रश्न नंबर 97 है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? राइट आंसर है विकल्प सी चंद्र कुंवर बर्तवली। प्रश्न नंबर 98 है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? विकल्प ए कौसानी। प्रश्न नंबर 99, शैलेश मिटियानी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है रमेश सिंह मिटियानी शैलेश। और आखिरी प्रश्न है, नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्ष में होती है? आंसर है हर 12वें वर्ष में। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।